गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ मस्त होंगे, घूम फिर रहे होंगे, कुछ काम धंधे पे होंगे, कुछ अभी भी सो रहे होंगे, या फिर मेरी तरह एक नई डेस्टिनेशन पे होंगे। हाय, मेरा नाम है शितिज सिंह और आप देख रहे हो मेरी ये नई कहानी। इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ रन ऑफ कच्छ। कहते हैं रन ऑफ कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और ये है रोड टू हेवन। इतनी खूबसूरत जगह को कहते हैं रोड टू हेवन कि हम जा रहे हैं डोलावेरा, और वहां से हम निकलेंगे अपने रिसोर्ट को जो हमने बुक करा रखा है। आज हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सी इवांका, जो कि गाड़ी में सो रही है, हमारा प्यारा सा इवान, वो भी गाड़ी में सो रहा है, हमारी प्यारी सी बीवी, वो भी गाड़ी में सो रही है, और दो नए शख्स जो कि है मेरी मामी और मेरी छोटी बहन। तो हम सब एक गाड़ी में जा रहे हैं आज अपने रिसोर्ट 31st of December, जो कि 2023 का लास्ट दिन है, ये बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हैं खूबसूरत सी वैली में। सब सो रहे हैं। तकरीबन 16 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर फिलहाल तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ खूबसूरत सी ये जगह और इसके ये खूबसूरत से नज़ारे। वाइट डेजर्ट के नाम से ये जाना जाता है, और आज क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं वो सब मैं फिल्माऊंगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, प्री ब्राइडल शूट करा रही है, अपना खूबसूरत सी जगह है ये प्री ब्राइडल कराने के लिए। मुझे तो बहुत सुंदर लगी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खूबसूरत जगह के नज़ारे देखिए आप, ना हैरान कर देते हैं। हमारे भारत का ये टुकड़ा है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ इसके और खूबसूरत नज़ारे, और एक छोटा सा ड्रोन शॉट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है इसका, और आगे भी हम ड्रोन शॉट्स लेंगे जहाँ जहाँ परमिशन हमें मिलेगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता, लोगों के पैर वैसे मैं देख पा रहा हूँ जा रखे हैं, पर ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि दलदल की तरह ये जो इसकी सतह होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, और जैसे ही आप आगे जाते हैं वैसी वैसी आपका पैर भी धंसता जाता है। बेसिकली यहाँ तक समुद्र होता है कुछ टाइम तक, और समुद्र जब आप पीछे चले जाता है और पानी जो है वो मिट्टी में मिल जाता है समुद्र का, तो वो अपना नमक बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, और ये वर्ल्ड में बहुत कम जगह होता है जो कि एक ये है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये देखने को मिलता है। मैंने कोई और जगह वर्ल्ड में ऐसी कोई नहीं सुनी जहाँ पे ऐसे समुद्र इतने बड़े एरिया में आता है और वापस चले जाता है, और ये नमक का पानी छोड़ देता है, इतना ज़्यादा नमक है कि इसको वाइट डेजर्ट कहा जाता है। और ये मैं हाथ से भी छू पा रहा हूँ तो बिल्कुल नमकीन, बिल्कुल नमक की तरह है, बाकी कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मिट्टी के साथ साथ ये नमक जो है ना खच 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 पैरों पे हो रहा है, और जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे जो है मेरे पैर धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, हमने गाड़ी वहाँ खड़ी कर रखी है, पार्किंग यहाँ पे कोई है नहीं ऐसी सच, और मेन रोड पे गाड़ी लगी हुई है, और बच्चे सारे धीरे धीरे करके उठ रहे हैं गाड़ी से, तो अगर वो बाहर आए तो मैं यहाँ पे उसकी वीडियो फ़ोटो बनाता हूँ, खींचता हूँ फोटोग्राफ बनना। तो आगे चलते हैं, और क्योंकि ओवरनाइट जर्नी हमने कर रखी है तो सबके चेहरे उतरे हुए हैं, इसीलिए कोई गाड़ी से बाहर आके फ़ोटो शूट करना चाह नहीं रहा है अभी। तो मैं तरीके से यहाँ डोलावेरा के रूम्स हैं, ये होम स्टेज हैं, और अलग अलग पैकेजेस इसके यहाँ अवेलेबल हो गए। हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम किसी काम से यहाँ आए हैं, और हमारा जो रिसोर्ट है वो और भी ज़्यादा आगे है, यहाँ से 2 घंटे के रास्ते पे है। हमें जहाँ पर भी मौका मिलता है हम इवान का फोटो शूट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मैटर्स, और इतना अच्छा बैकग्राउंड हमें यहाँ पे मिल रखा है गुजरात का, यहाँ पे इसका टेक्सचर जो है वो इतना डिफरेंट है। और मैं मिलवाता हूँ आपको दिया से। तो ये है दिया, हमारी मामी की बेटी,
और हमारी सबसे छोटी बहन। तो दिया जो है 25 सालों से गुजरात में रहती है और हम दिया से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि दिया ऐसा क्या है जो गुजरातियों को बाकी सारे लोगों से, भारत के लोगों से अलग करता है? गुजरात की मिठास है जो खाने में भी है और लोगों में भी है, तो वो एक बात है जो गुजरात को सबसे अलग करती है। बाकी तो गुजरात की सिंप्लिसिटी एंड वी नो द सेफ्टी ऑफ द गुजरात इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट देन अदर स्टेट, तो यही है जो गुजरात के बारे में अलग है। बाकी आओ गुजरात में तो पता चलेगा और क्या क्या अलग है। निकलते हैं अपने आगे की मंजिल के लिए और देखते हैं गुजरात में क्या है मिठास और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूँ जैसे, और अभी भी दिखाता रहूँगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने में 5 मिनट हैं और सर पे धूप चढ़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 3 बज रहे हों और दिसंबर 31 है। लग नहीं रहा है कि यहाँ पे सर्दी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये देख लो, मैंने अपने देहरादून से आते ही सारी जैकेटें उतार दी थी और गर्मियों के पोशाक में मैं आ गया था। अलग ही फीलिंग है, किसी को भी अगर सर्दी ज्यादा लगती हो तो वो गुजरात में जो है सर्दी में आ सकता है। बुआ को जगह दो फटाफट से, चलो अब हम चलेंगे अब मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, है ना? ये बार मतलब ये 50 किलोमीटर का पूरा पैच है, हम कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हम जाते हैं थोड़ा सा आगे, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन मिल जाती है, लोगों को देखते हैं पिकनिक बनाते हुए तो रुक ही नहीं पाते। यहाँ पे शॉप्स लगी हुई हैं, गुजराती ड्रेसेस मिल रही हैं फोटोशूट के लिए। और कहते हैं कि ये जो वाइट डेजर्ट है ये बेसिकली जनवरी में और दिसंबर एंड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है और नवंबर में अक्टूबर में यहाँ पे पानी होता है तो इतना ज़्यादा ये दिख नहीं पाता, वाइट रेत रेत होती है। तो जो वाइट इसका जो सॉल्ट है बेसिकली ये जैन में ही दिखाई देता है या फिर आप दिसंबर एंड में जैसे मैं आया तब आप आ सकते हैं यहाँ पे। आज इसके अलावा भी जो जो डेस्टिनेशन यहाँ पे थी वो 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे दूर दूर थी। मांडवी बीच है इतना खूबसूरत और भी जो कच्छ टेंट सिटी है वो है और इसके अलावा भी बहुत सारी जो अपना इन्होंने फैसिलिटीज़ कर रखी हैं आसपास, बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। 156 इस टाइम हो रहा है मेरे फ़ोन में और उसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग जाएंगे कहीं लंच वंच, देखते हैं कहाँ करते हैं। और भागा दौड़ी ही कर रहे हैं हम, कल रात से कल शाम से हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पहुँच के हमें आराम बिल्कुल भी नहीं किया, 2 मिनट भी नहीं किया, जबकि मामी हमारे साथ वो तो अपना हम बच्चों के लिए जो है ना वो अपना गाड़ी में जाके बैठ गई, एंजॉय किया हमारे साथ, फिर गाड़ी में जाके बैठ गई और उन्होंने भी हमारे को रोक तो कुछ भी लगा रखी है, एंजॉय करना आए बच्चे एंजॉय करते रहें। धूप इतनी है और हम लोगों को नींद इतनी भयंकर आ रही है, कल रात भी नहीं सोए थे और ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद हमें 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे लगातार ड्राइविंग 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 करते करते विदाउट रेस्टिंग। तो देखते हैं
के जो डेस्टिनेशन आगे है वहाँ हम पहुँच पाते हैं या सीधा रिसोर्ट का रास्ता पकड़ के वहीं सोते हैं? खूबसूरत लग रहा है, अभी चेकिंग करते हैं फटाफट से। हमने चेकिंग नहीं किया है और सब गाड़ी में लोड पोट होते फिर रहे हैं। देखो कितना प्यारा रिसेप्शन है और इसके पीछे का व्यू तो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा है पर मैं दिखा दूँ आपको, होए 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 होए, यहाँ होएगा कुछ आतंक आज रात को क्योंकि न्यू ईयर्स है। मुझे लगता नहीं है अब हम रन उत्सव जो मेला है वहाँ पे हम जाएंगे रात को, इतना थक चुके हैं, इतना दूर दूर है ना हर चीज़, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और हम आए भी भयंकर कल से चल रहे हैं, हमें 23.5 घंटे मतलब ऑलमोस्ट हमें 24 घंटे कंप्लीट होने वाले हैं ड्राइविंग कर करके नॉन स्टॉप। बीच में चाय कॉफ़ी के लिए रुकते हैं, उसके बाद तो हालत बहुत ही बुरी हो गई है। तो मेरे साथ साथ सभी परेशान हैं ना, आज यही करते हैं मैनेज। तो ये इनके रूम्स हैं, देखो आप रिसोर्ट कितना प्यारा है, ये भी पूरा कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इतना प्यारा रिसोर्ट। इवान तो मज़ा ही आ जाएगा उसको, तो भागेगा दौड़ेगा इधर उधर। पिटाई होने वाली है इस डंडी से, हैंड्स अप मीमी, पिटाई पापा करेंगे, मीमी हैंड लगाओ आगे, चलो पिटाई करेंगे पापा। 1 2 अरे तू कहाँ भाग रहा है, अरे कहाँ भाग रहा है इवान। जैसे कि हमें ये पता चला है कि ये डैम है बेसिकली, और कौन सा डैम है हमें ये तो पता चला नहीं है अभी तक, पर बहुत खूबसूरत है, लेक है, पॉन्ड है, जो भी है। ये देखो बोटिंग हो रही है, अभी रिसेंटली नैनीताल से होके आए हैं, और ये मंजर भी हमें यहाँ पे मिल गया है भुज में। ओए होए, और ये तैयारी हो रही है बॉनफायर की। तो दोस्तों शाम का समय है, मैं तो सोया नहीं बिल्कुल, मेरी नींद ही भाग गई बिल्कुल ही, और हम एक ड्रोन शॉट लेके देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी दिखती कैसी है शाम को। वैसे तो सुबह का जो मंजर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, तो शाम को भी हम लेके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हमें। और इवनिंग का टाइम था, शॉट्स इतने अच्छे नहीं आए, पर फिर भी हाँ मतलब ये तो बर्ड आई व्यू तो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल लगता ही है। आज 31st की नाइट है तो पार्टी के लिए भी लोग तैयार हो रखे हैं यहाँ पे, और अपना इवान भी भागता हुआ फिर से गिर गया था, तो इस चक्कर में मैंने कोई अपडेट किया नहीं उसके बाद, और अब हम फटाफट से खाना खाने बैठ गए। 7:30 बज रहे हैं, जो अपना अब बूफे लगेगा यहाँ पे वो लेट लगेगा, हम लोगों को बूफे खाना नहीं है, तो हम लोग जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो रात की मैं पार्टी कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ, तो
दोस्तों 11:09 हो रहे हैं इस टाइम, 31st का डे है, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ हो पाएगा। मैंने आपको दिखाया बस बॉन्ड फायर, लोग बैठे हुए इधर उधर से, बम्बई गुजरात और इधर उधर के लोग आए हुए हैं और इतना क्राउड नहीं है। तो ये भी एक सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे भीड़ कभी भी पसंद नहीं थी, तो यहाँ पे भीड़ नहीं है तो मज़ा आ रहा था। पर अब बच्चों के वजह से हम लोग अंदर आ चुके हैं, थोड़ा बहुत ठंडा भी होना शुरू हो गया है। देखो अब मैंने जैकेट भी पहन ली है और बस हम लोग अपने अपने रूम में जाके सोते हैं। कल उठेंगे थोड़ा सा लेट क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। 24 घंटे हमने लगभग ड्राइव की थी कार और उसके बाद भी आराम नहीं किया मैंने तो आज लंबी नींद लेंगे और कल उठेंगे थोड़ा सा लेट, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। आसपास की कोई जगह अगर मैं कवर कर पाया तो कल एक व्लॉग बनाऊंगा और उसमें डालूंगा। फिलहाल तो फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आनंद से वडोदरा, वडोदरा से आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्लॉग आपको आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें, बच्चों को प्यार दें बड़ों के आशीर्वाद के साथ, धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।